अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब अपने घरों में सेहत और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। आज मैंने बनाए हैं दही भल्ले या दही बड़े, जिसको आप कहते हैं माश की दाल के जो बनते हैं, और इसकी बड़ी परफेक्ट रेसिपी इंशाल्लाह मैं आपको दूंगी। और आप देखिएगा और आप बनाइएगा अपने भी घरों में और देखिएगा कि बिल्कुल परफेक्ट बनेंगे। और इसमें मैंने सारी चीज़ें जो हैं वो बिल्कुल कोशिश की है उनको कवर करने की, और मैं आपको साथ साथ बताती भी जाऊंगी कि कैसे कैसे मैंने ये बनाया है। तो इंशाल्लाह आपके भी बहुत ही अच्छे बनेंगे। तो यहाँ मैंने ली है 1 कप दाल, जिसमें 1/4 कप मैंने मूंग की दाल ली है धुली हुई, और 3/4 कप जो है वो मैंने माश की दाल ली है धुली हुई। इसको मैंने भिगो दिया था तकरीबन 5 घंटे के लिए, और 5 घंटे बहुत होते हैं। 5 घंटे ओवरनाइट आपको करने की ज़रूरत नहीं है, फिर वो बाज़ दफ़ा दाल जो है वो नहीं, ज़्यादा हो जाता है तो सही नहीं बनती। तो ये देखें दाल भीगी हुई है 5 घंटे के लिए। तो अब हम इसका पानी उतार लेंगे और इसको दाल को जो है वो खाली लेके तो हम इसको ब्लेंडर में डाल के इसको ब्लेंड करेंगे। पहले मैंने थोड़ी डाली थी, लेकिन मुझे लगा कि नहीं, अगर मैं सारी भी डाल दूँ तो, क्योंकि 1 ही कप थी, ज़्यादा नहीं थी, तो उसको मैंने डाला। और ज़्यादा तो इसमें पानी वानी की इतनी ज़रूरत मुझे तो पड़ी नहीं है, तकरीबन मैंने 1 से 1.5 चम्मच जो है वो टेबलस्पून मैंने इसमें पानी ऐड किया। तो आपको भी जैसे लगे, क्योंकि ये पतली नहीं होनी चाहिए, इसमें बाद में जब हमने मीठा सोडा डालना है तो उसके साथ भी ये पतली हो जाएगी, तो इसलिए इसको इसी तरह से आपने ब्लेंड करना है। कोशिश करनी है जिस तरह रोक रोक के थोड़ा थोड़ा कर कर के तो एक फ़ाइन पेस्ट में आ जाए। आप हाथ में लेके देखें, ग्रेन आपको फील नहीं होना चाहिए। यहाँ पे मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट डाला, ये फ्रोज़न था तो इसके क्यूब्स थे, तो ये मैंने डाला। इसके साथ फ्लेवर बड़ा अच्छा आता, अदरक लहसुन डाला और ये देखें फ़ाइन पेस्ट मेरी रेडी हो गई है। अब इस पेस्ट को क्या करना है, इसको आपने या तो हैंड विस्क के साथ बहुत अच्छे से इसको फेंटना है, क्योंकि इसके अंदर एयर जो है वो आनी चाहिए। जो इतनी भी एयर इसके अंदर रहेगी तो वो भल्ले को फूलने में हेल्प करेगी और वो फ्लोट करेगा। यहाँ पे देखें मैं मसाले ऐड कर रही हूँ। ये मैंने लाल मिर्च ली, ज़ीरा लिया और साथ में नमक लिया, 1-1 टीस्पून मैंने इसमें डाला था। सारी चीज़ें जो है आप देख ली अपनी क्वान्टिटी के हिसाब से, अपने टेस्ट के हिसाब से चीज़ों को एडजस्ट कर लिया करें, जितना आपको जायका पसंद है। तो ये मेरे से हाथ से तो नहीं इतना हुआ, लेकिन मैंने फिर यहाँ पे मशीन यूज़ की, जो तकरीबन मैंने 2 से 3 मिनट तक इसको खूब अच्छे से फेंटा, और फिर मैंने 1 पिंच से थोड़ा ज़्यादा मीठा सोडा जो है वो ऐड किया, और इसको फिर से मैंने मशीन की मदद से इसको मैंने किया। अब ये देखिए मैंने पानी लिए, साथ में साइड पर पानी लिए। अब पानी के अंदर मैं थोड़ा सा डाल के देख रही हूँ कि ये फ्लोट कर रहा है, जैसे ये अगर ये फ्लोट कर रहा है यानी ऊपर ऊपर तैर रहा है, तो इट मींस कि ये बिल्कुल रेडी है। तो ये नीचे बस बैठना नहीं चाहिए, ठीक है। तो इसको मैंने साइड पे रख दिया। अब ऑयल लिया, इसको डीप फ्राइंग के लिए हमें ऑयल चाहिए, तो वो गर्म हो गया जैसे मैंने टेस्ट किया, इसमें डाल के छोटा सा पीस, तो ये लगा मुझे छोटे छोटे से बबल्स बनना शुरू हो गए, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्म तेल में नहीं डालना आपने। अगर फौरी तौर पे हम उसको डालेंगे ना तेज़ गर्म में, तो वो रेड होना शुरू हो जाएंगे, अंदर से कच्चे रहेंगे। तो चम्मच को थोड़ा सा गीला करके पानी के साथ आप इसमें, एक जो खाने वाला चम्मच है ना, जो जैसे सर्व करते हैं तकरीबन वो 2 बड़े टेबल स्पून होते हैं, तो वो मैंने डाला तो शेप ये खुद ही ले लेता है। थोड़ी देर के बाद शेप इसकी गोल होना शुरू हो जाती है। तो इसको आपने लो टू मीडियम के ऊपर, थोड़ा सा मीडियम से भी थोड़ा सा कम रख के, ताकि ये अच्छे से कुक हो जाए, इसको आपने फ्राई करना शुरू करना है। फिर आप देखें कि इसकी साइड आपने चेंज करनी है। साइड चेंज करके ये देखें साइड मैंने चेंज की है। चेंज करने के बाद मुझे ये तकरीबन मैंने 4 मिनट तक इसको फ्राई किया था, एक साइड से 4 मिनट तक एक साइड से फ्राई हुआ, तो फिर उसको साइड चेंज की। तो जब एक दफ़ा हम इसको ऐसे ही निकालेंगे, फिर दूसरा बैच भी जब हम फ्राई कर लेंगे, तो फिर लास्ट में हम इसको एक दफ़ा फिर से फ्राई करेंगे, क्योंकि जब आप बाज़ार से लेते हैं तो उसमें एक क्रिस्पीनेस होती है। जब एक ही दफ़ा फ्राई करके अगर आप इसको पानी में भिगोते हैं तो या डाल, तो वो फैल जाते हैं दही के अंदर और उनका दाना दाना अलग हो जाता है, तो वो मज़ा नहीं आता।
तो जब हम इसको डबल फ्राई करेंगे तो ये अपनी शेप ख़राब नहीं करेंगे, ये अपनी शेप को बरकरार रखेंगे। और उसके साथ ये आप स्टोर भी जैसे कर सकते हैं तो वो आपके लिए बहुत सही देंगे। अब ये देखें थोड़ा सा इसको ज़्यादा वो क्या उसका नाम है, मुझे रखना चाहिए था थोड़ा टाइम, जब मीठा सोडा डालें ना तो वो अपना काम करता है, उसको तकरीबन 10 से 15 मिनट रेस्ट देनी चाहिए जो बैटर है उसको। तो ये मेरे सेकंड बैच इसमें निकाल रही हूँ। ये देखिए मैंने सेकंड बैच का नहीं डाला क्योंकि वो ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ किस तरीके से आपने उसको डालना है। हाथ को गीला करके आप उसमें भी डाल सकते हैं, सर्कल सा बनना चाहिए। ये देखिए इनकी शेप सबकी सेम है। अब आखिर में मैंने सारा वो डाल के सारे भल्ले मैंने डाले और जो मैंने जो इसकी है आँच है वो थोड़ी सी तेज़ कर दी, बहुत ज़्यादा हाई नहीं है लेकिन लो टू हाई है, मीडियम टू हाई है, मीडियम टू हाई जो है ना उसको मैंने करके तो अब इसको मैं फ्राई करूँगी। तो ये देखिए गोल्डन हो जाएगी और ये क्रिस्पी माशाल्लाह से हो गए थे। मैंने अब उसमें ये साउंड मेरी जो है वो हुई हुई है म्यूट है तो आपको नज़र आ रही है, जैसे मैं इस तरह से कर रही हूँ तो इसकी साउंड बहुत अच्छी आ रही थी, ये क्रिस्पी से हो गए थे। अब इसी तरह आप इसको ठंडा करके तो आप पैकेट्स में डाल के आप लिफाफे में डालें, जिप लॉक बैग में डालें और इसको आप रख भी सकते हैं, सेव कर सकते जब चाहे दिल आप निकाल के तो इस्तेमाल करें। तो मैंने तो हैर इसी वक्त बनाने थे तो इसीलिए मैंने इनको निकाल दिया। अब ये थोड़े कूल डाउन हो जाएंगे तो उसके बाद फिर मैंने एक सादा पानी लिया, उसमें कुछ भी नहीं डाला क्योंकि नमक मिर्च और सब चीज़ें मैंने इसके अंदर डाली हुई हैं तो ज़रूरत नहीं थी। तब सादे पानी के अंदर मैंने इनको जब इनका टेम्परेचर नॉर्मल हो गया, गर्म नहीं डालने, जब इनका टेम्परेचर नॉर्मल हो गया तो मैंने फिर इसके अंदर इसको सॉक कर दिया। अब सॉक करने में आप देख लीजिएगा कि कितना टाइम लगता है। तो यहाँ पे मैंने तकरीबन आधा किलो से थोड़ा ज़्यादा दही लिया था, उसमें मैंने 3 बड़े टेबलस्पून चीनी के डाल के इसको मैंने विस्क के साथ, हैंड विस्क के साथ मिक्स किया क्योंकि ये फ्लेवर में बहुत अच्छे लगते हैं। पानी भी थोड़ा सा ऐड किया, पानी इसलिए ऐड करना है कि इसको थोड़ा सा पतला करने की ज़रूरत है, जब आप भल्ले इसमें डालेंगे तो ये जो दही है ना उसको चूस लेंगे तो वो ज़रा अंदर से भी बड़े सॉफ्ट और फिर मज़े के लगते हैं। अगर हार्ड होगा ना दही आपका तो फिर वो ऊपर ऊपर ही रहेगा, वो उसके अंदर तक नहीं जाएगा। अब यहाँ पे मैंने प्रेस कर लिया पानी से निकाल के, ऐसे सर दोनों हथेलियों के बीच में रख के तो उसको प्रेस करना है, बहुत ज़ोर नहीं लगाना तो ये बिल्कुल अपनी शेप ख़राब नहीं करेगा। ठीक है, आपने इसको रख दिया। इसके बाद मैंने ये जो दही लिया था इसकी मैंने नीचे एक बेड सा बना दिया, पतला सा ना बिल्कुल बेड, ताकि वो जब मैं भल्ला रखूँ तो वह नीचे से भी थोड़ा सा उसको सपोर्ट मिले कि वो नीचे से उसमें फ्लेवर आई, ये ना हो कि नीचे तो पानी पानी सा फील हो। तो इस तरह से करके फिर उसके बाद मैंने ये इनको असेंबल किया। पहले मैंने इसको दही में डाला था, उस दही में तकरीबन 5 मिनट मैंने इसको सोक किया था ताकि जितना दही है वो ये चूस ले, तो फिर बहुत मज़े के और अच्छे बनते हैं। तो बाद में आपको इतने गाढ़े दही की ज़रूरत तो नहीं पड़ती लेकिन जब लगे तो ऊपर से भी फिर आप इसको पोर कर सकते हैं। दही को वो अलग से मैंने निकाल लिया था, वो दही अलग था, वो थोड़ा थिक वाला दही था, वो मैंने ऊपर फिर उसको पोर किया था, उसमें मैंने चीनी नहीं डाली थी, वो प्लेन था। ये वाला चीनी वाला दही था तो वो वाला प्लेन दही था। ये देखें ये मैं असेंबलिंग कर रही हूँ, असेंबलिंग करके तो फिर जो मेरा जो मैंने लेफ़्ट ओवर दही रखा था साइड पे उसमें मैंने चीनी नहीं डाली थी, वो फीका था, उसको इसी तरह से फेंट के और उसी तरह से उसको बिल्कुल स्मूथ सा कर लिया था। और फिर उसको मैंने बाद में इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा सा डाला था, मुझे लगा जहाँ जहाँ ज़रूरत है वहाँ वहाँ मैं इसको डाल दूँ। डिपेंड्स ऑन यू, आपको लगता है कि आपको डालना चाहिए तो आप डालें, नहीं लगता तो नहीं, हर बंदे की अपनी चॉइस होती है। तो मैंने इसमें थोड़ा थोड़ा सा मुझे लगा कि यहाँ दही होना चाहिए वो मैंने डाला। तो अब यहाँ पर ये मेरे से हुआ कि पहले मैंने चाट मसाला पहले डालना था वो मैंने आखिर में डाल दिया, तो इस तरह तो होता ही है काम करने के दौरान। तो चटनियाँ डाली ये मीठी और खट्टी चटनी, जो इमली की चटनी है गुड़ वाली चटनी, ये वो मैं डाल रही हूँ, इमली की गुड़ वाली चटनी है ये डाल के उसके बाद फिर मैंने हरी चटनी जो पुदीना धनिया और चाट मसाला और ज़ीरा और नमक मिर्च वगैरह डाल के, हरी मिर्ची डाल के जो मैंने बनाई हुई थी आमतौर पर आप लोग सभी घरों में बनाते हैं वो वाली चटनी, तो हरी चटनी जो है वो डाली। फिर चाट मसाला जो है ये मैंने भल्ले का ख़ुद बनाया हुआ है, ये बहुत ही मज़े का बनता है और इसके साथ इसका फ्लेवर इतना को मज़े का आया था ना, मेरे तो फ्रिज में पड़े थे तकरीबन एक दिन, बच्चे आहिस्ता आहिस्ता खाते रहे तो बहुत ही ये मज़े के बने थे।
वो दाल के जो ग्रेन्स थे ना वो सारे के सारे दही में सोक हो के फूल के थे, और वो इतने मज़े के लग रहे थे। शेप किसी की भी ख़राब नहीं हुई थी, कोई भी टूट के नहीं फैला था, बिल्कुल शेप बरकरार रखी थी। आपने जब बस मिक्सचर बनाना है ना, जब उसको सोडा वगैरह डाल के, तो आपने तकरीबन 10 मिनट्स तक उसको रेस्ट देनी है, फिर उसको फ्राई करना शुरू करना है। ठीक है जी, अब ये देखिए, ये चाट मसाला भी मेरा घर का भल्ले का मसाला है, ये बहुत ही मज़े का बनता है। रमज़ान में भी हमने बहुत ट्राई किया था, माशाल्लाह से बहुत ही अच्छे बने थे। आप भी ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा, बताइएगा ज़रूर कि आपके कैसे बने, क्योंकि आपके फ़ीडबैक से मुझे पता चलेगा कि मुझे क्या क्या बनाना चाहिए। कमेंट्स में बताइएगा जो जो रेसिपी आपको चाहिए होगी, मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगी कि मैं आपके लिए बनाऊँ। तो फिर मैंने ये ट्राई किया, इसको बहुत ही मज़े के बने थे, बच्चों को भी सबको बहुत पसंद आए। यहाँ पे ट्राई कर रहे हैं, ये देख, मैंने तोड़ के दिखाया आपको कि ये अमूमी तौर पे क्या होता है कि आप बड़े को फ्राई करते हैं तो सेंटर में से उसकी गुठली सी रह जाती है, हार्ड हो जाता है। ये बिल्कुल हर तरफ से सॉफ्ट था, किसी एक भी जगह से ना हार्ड था ना कुछ था, और बहुत मज़े का था।